सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बेस्ट एफिलिएट्स शेयर करने वाला हूं जो कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये बिगिनर्स के लिए क्यों बेस्ट है, क्यों बिगिनर्स को यहां से शुरुआत कर लेनी चाहिए। वैसे क्लिक बैंक, डिजिस्टोर जैसे और भी बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, और उनमें सबसे आसान तो मैं बिगिनर के लिए हमेशा से अमेजोन मानता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अमेजोन से शुरू करना चाहिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उससे आसान कोई भी नहीं है, वहाँ से कन्वर्जन लाना बहुत आसान है। लेकिन मैं चार या पांच ऐसे एफिलिएट्स वेबसाइट आपको बताऊंगा जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, और वो आसान किस लिए वो भी इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो नंबर वन जो वेबसाइट है, देखो जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो भी मैं आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ, वो सारी एक ही इंडस्ट्री की हैं, एक ही फील्ड की हैं, एक ही कैटेगरी की हैं, वो है ईमेल मार्केटिंग। तो मैं आपको चार पांच ऐसी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिनके एफिलिएट प्रोग्राम हैं और उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है एवेबर का, ठीक है, और ये मैंने किसी भी सीक्वेंस में नहीं रखे हैं, जस्ट रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी कमीशन के बेसिस पे मैंने फर्स्ट नंबर टू नंबर रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एवेबर भी ईमेल मार्केटिंग टूल है, आप सबको पता होगा। तो इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इनके एफिलिएट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आप अप टू 50% इनके रेफरल पर अर्न कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान, अगर आप देखोगे सिंपल सा इसका इंटरफेस होता है, आप लोग इजीली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसको रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% रिकरिंग पेमेंट्स आपको मिलती है एवरी मंथ फॉर लाइफ टाइम ऑफ पेड अकाउंट्स, यानी कि एवेबर को अगर आप प्रमोट करते हैं आपके रेफरल लिंक पर, आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके कोई पेड साइनअप या फिर कोई पेड यूजर बनता है इनका, यानी कि एवेबर का यूजर बनता है, तो जो भी उसका सब्सक्रिप्शन होगा उसका 50% आपको मिलेगा, ठीक है, कमीशन के तौर पर, और वो लाइफ टाइम रिकरिंग है, जब तक कस्टमर देता रहेगा पैसे उनको मंथ बाई मंथ, वो आपको भी उसका शेयर जो है, जो कमीशन है आपका जो बनता है, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे आओगे ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि शुरू में तो आपको 30% मिलता है, अगर आप देखोगे जब आप शुरू करोगे ना तो आपको 30% मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मंथ में 40 सब्सक्रिप्शन कर देते हो, यानी कि 40 लोग आपके लिंक पर क्लिक करके एवेबर के यूजर बनते हैं पेड वाले, तो फिर आपका जो कमीशन है वो 40% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप 50 का मार्क क्रॉस कर जाते हो, 50 साइन अप आपने करवा दिए हैं, पेड यूजर एवेबर को आपने दे दिए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप देखिएगा जरूर पूरी, ठीक है। तो आपका जो कमीशन है वो 50% तक इस तरीके से पहुंचता है, शुरुआत आपको 30% कमीशन से ये लोग करवाते हैं, ठीक है। इसको यहीं पे क्लिक करके गेट योर एडवोकेट लिंक, इस पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें साइनअप करने के लिए सिंपली आपको एवेबर की वेबसाइट पे जाना है, बिल्कुल बॉटम में आ जाना है और कस्टमर रेफरल पर आपको क्लिक करना है। आप लोग इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि भाई आप लोग नहीं करते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग जिनको ईमेल मार्केटिंग का ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मिलियंस ऑफ लोग ईमेल मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ लोग उनमें से आपके थ्रू इन प्लेटफॉर्म का यूज करें, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ता, मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ इन एफिलिएट नेटवर्क्स के, इन एफिलिएट्स के। देखो अगर आप क्लिक बैंक का यूज करते हैं, डिजिस्टोर का यूज करते हैं, या अमेजोन का आप इस्तेमाल करते हैं एज ए बिगिनर, तो आपका ये बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट लें, किस कैटेगरी पे काम करें, कैसे कंटेंट बनाएं, हम वीडियो मार्केटिंग करें, यू नो लाइक आर्टिकल्स लिखें, क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कितना कमीशन मिल रहा है, क्या ग्रेविटी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप इनके साथ काम करोगे तो आपको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात, आपका एक ही एफिलिएट लिंक है, एक ही आपका टूल है जो कि प्रोडक्ट आपका, उसी को आपने प्रमोट करना है, ठीक है। तो पूरा फोकस आपका एक ही चीज़ पर रहता है, बाकी की डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं उनको आपको फेस नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए एज अ बिगिनर आपके लिए ये आसान है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाऊं, अगर देखो मैं एवेबर की ही बात कर लें, तो इसके जो मंथली यूजर है वो देखो 11.2 विजिट्स हैं, 11.2 मिलियन विजिट्स पर मंथ इसको मिल रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप एक रफ अनुमान लगाते हैं तो 5 से 6 मिलियन लोग एवेबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अच्छी खासी ब्रांडिंग होती है, ये लोग खुद भी प्रमोट करते हैं, एड्स वगैरह रन करते हैं, तो आपको इसे प्रमोट करना आसान हो जाता है, और वीडियो के लास्ट में कैसे इनको प्रमोट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो टूल है जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल है ये भी, आप देखोगे इसका नाम है ConvertKit। सिंपली आपको ConvertKit.com इस वेबसाइट पर आ जाना है, एंड बिल्कुल बॉटम में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ये देखो एफिलिएट प्रोग्राम, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ज्वाइन द ConvertKit एफिलिएट प्रोग्राम, इस पर क्लिक के
आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैंने भी शायद इस पे वीडियो बनाई हुई है, उसको देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अगर कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है अकाउंट बनाने में। बेसिकली सब पे बहुत ही आसान साइनअप प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज अ कन्वर्ट किट एफिलिएट यू कुड बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स फॉर योर ऑडियंस विल आल्सो अर्निंग और रिकरिंग 30% कमीशन फॉर अप टू 24 मंथ्स, ठीक है। तो 2 साल तक आपको 30% कमीशन मिलता है, जो भी पेड कस्टमर आपके थ्रू इनके साथ ज्वाइन करता है, वो जो भी सब्सक्रिप्शन पे करता है, जो भी वो पेमेंट करता है, उसका 30% आपको लाइफ टाइम तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2 ईयर्स तक है, यानी कि 24 मंथ्स तक, ठीक है। शायद इतना भी कोई आपको एक क्लाइंट दे के जाता है पैसा, आपका जो रेफरल है तो काफ़ी है, ठीक है, 2 साल भी काफ़ी होते हैं। एंड नीचे आओगे तो कुछ और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो ये वही डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई कन्वर्ट किट को मंथली लोग कितने यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 7 मिलियन मंथली विजिट्स हैं, तो नियर अबाउट 2 to 3 मिलियन लोग इसका यूज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे एक रफ आइडिया है तो ये ट्रैफिक से पता चल रहा है हमें, तो आप इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो सभी को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक को किसी को पकड़ के जो आपको बेस्ट लगता है, जिसका कमीशन स्ट्रक्चर आपको बढ़िया लगता है, जिसका पेमेंट मेथड आपको बढ़िया लगता है। और एक चीज़ और सब में ना, एक तो पेपाल आपको मिल जाएगा एज अ पेमेंट ऑप्शन, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इनमें से जिनके अंदर आपको डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट मिल जाता है, या एक इसमें ऐसा भी मैंने देखा जिसमें अभी तक चेक की फैसिलिटी भी है। तो जो पेमेंट मेथड है इन सभी के, वो बहुत आसान है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे लोग इन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो है एवेबर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप कन्वर्ट किट के एफिलिएट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीसरा जो है इस लिस्ट में वो है कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ईमेल मार्केटिंग टूल है। एंड अगर इसके मंथली विजिट्स की मैं बात करूँ तो 18.3 मिलियन मंथली विजिट्स हैं, ठीक है, तो नियर अबाउट सिक्स और सेवन मिलियन लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ लोग इसका ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। और भी बहुत सारे टूल होंगे, उनके भी एफिलिएट नेटवर्क्स हो सकते हैं, उनके भी एफिलिएट हो सकते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेनली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका क्या कमीशन स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो, थोड़ा नीचे आएंगे तो इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इस पेज पर आपको पहुँचना कैसे है, सिंपली आपको constantcontact.com इस वेबसाइट पे आना है सबसे पहले, एंड उसके बाद बिल्कुल बॉटम में आ जाना आपको, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एफिलिएट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप लोग सिंपली इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आपको अपना अकाउंट बनाना है, अपना एफिलिएट लिंक आपको ले लेना है, रेफरल लिंक, ओके। और उसके बाद कमीशन की बात करें तो यहाँ से $105 है, जब भी कोई पेड कस्टमर आपके एफिलिएट लिंक पर, रेफरल लिंक पर क्लिक करके इनके साथ जुड़ता है, ठीक है, तो $105 साइनअप का है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं पेड साइनअप अगर आप करवा पाते हैं। एंड काफ़ी अच्छा इनका जो है ट्रैकिंग सिस्टम भी है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मंथली ट्रैफिक मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर टूल है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्न $105 व्हेन रेफरल्स पे फॉर अ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट रेफर्स एज मैनी वेबसाइट विजिटर एज यू कैन, देर इज नो कैप फॉर कमीशन, ठीक है, तो जितना मर्जी आप इससे अर्न कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छा टूल है, ये है सेंड इन ब्लू, ओके, ये 4th टूल मैं आपको बता रहा हूँ जिसके एफिलिएट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे मार्केटिंग टूल हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, इनके फ्री भी होते हैं, यानी कि इनको फ्री में भी यूज करने के ऑप्शन ऑलमोस्ट सभी में हैं, लेकिन मोस्टली लोग पेड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंड इन ब्लू का काफ़ी अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाके साइनअप कर सकते हैं। अगर मैं आपको इनका कमीशन स्ट्रक्चर बताऊँ तो थोड़ा नीचे आप आओगे तो इनकी 90 डेज की कुकीज होती है, ठीक है, अगर आपके लिंक पर एक बार किसी ने क्लिक कर दिया और 3 मंथ्स के अंदर वो कभी भी इनके साथ एज ए पेड कस्टमर ज्वाइन करता है तो उसका कमीशन आप ही को मिलेगा, ठीक है। तो कुकीज ड्यूरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर कमीशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो अप टू 100 यूरो, अगर 100 यूरो को आप USD में कन्वर्ट करोगे तो $107.90 बनते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया था। तो सेंड इन ब्लू आपको इतना कमीशन पे करता है। इसके अलावा इसका पेपाल है जो पेमेंट मेथड है, और भी हैं, इसको आप चेक कर सकते हो, मंथली पे आउट सिस्टम है इनका। तो सेंड इन ब्लू भी इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा टूल है, बहुत सारी इसकी भी ऑडियंस है, काफ़ी लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 टूल हैं। एक और टूल है जो कि है getresponse.com, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, अभी ये मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है, शायद कोई ग्लिच हो सकता है।
तो गेट रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉपुलर टूल है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका भी एफिलिएट नेटवर्क है जो शायद आपको एक ट्रायल अकाउंट का भी कुछ पैसा देता है, कमीशन देता है, शायद शायद $5 शायद $10, उसको आप चेक कर लेना। तो इनमें से किसी भी टूल को आप प्रमोट कर सकते हैं एज एन एफिलिएट, एज एन रेफरल आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो मैंने आपको बेनिफिट बताया कि अगर आप क्लिक बैंक पे काम करते हैं, डिजिटल पे काम करते हैं, तो आपके हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रमोट करना है, किस कैटेगरी पे हमें काम करना है, तो वो सब चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सिंपली आपका एक ही एफिलिएट लिंक होगा, एक ही प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है, तो आप फोकस के साथ काम कर सकते हो। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आपको इसे प्रमोट करना है एज अ बिगिनर, तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो मैं दो तीन अच्छे तरीके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्योरा। अब देखो, सिंपली आपको क्योरा पे अपना अकाउंट बनाना है, और क्योरा पे डायरेक्टली एफिलिएट लिंक अगर आप लगाओगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं, तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक अच्छा लैंडिंग पेज आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, और डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी आप अपना एफिलिएट लिंक अपने अनसोर में कहीं पर भी अपने डेटा में आप देते हो ना, तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट में उसके आगे लिखना है कि एफिलिएट, ओके, हैशटैग एफिलिएट लगा दो या ब्रैकेट में लिख दो एफिलिएट लिंक, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये एफिलिएट लिंक है। लोग डायरेक्टली लगाते हैं इसलिए उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करो, अपना खुद का स्पेस बना लो, अगर आपको ज़्यादा डर है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। अब मैं आपको पोटेंशियल दिखाता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स लिखता हूँ, ठीक है, आपको अभी इसकी पोटेंशियल का पता चलेगा। ये मैंने गेट रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा है, इसको सर्च करते हैं, ओके। तो ये देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन है, इज गेट रिस्पॉन्स गुड फॉर ईमेल मार्केटिंग, 187 आंसर यहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज योर रिव्यू फॉर गेट रिस्पॉन्स, तो इस पे आप अपना आंसर डाल सकते हो, इस पे डाल सकते हो, गेट रिस्पॉन्स के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एंड अगर नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो हाउ डू यू यूज गेट रिस्पॉन्स ऑटो रिस्पॉन्डर, है ना। तो ये उनके अराउंड कंटेंट बनाया हुआ है कि गेट रिस्पॉन्स का जो कि गेट रिस्पॉन्स का जो ऑटो रिस्पॉन्डर है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, अभी किसी ने इसका आंसर किया, और अगर इसकी एंगेजमेंट देखें अपन, उसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं, एक ट्यूटोरियल पूरा दिया हुआ है, कई जगह पर लिंक लगाए हुए हैं, तो इसको 2.1K व्यूज़ मिले हैं इस आंसर पर, ठीक है। अगर अपन ये देखें कि यहाँ पे वाई इज गेट रिस्पॉन्स वर्थ इट टू यूज इट, ठीक है, तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि वन के से ज़्यादा व्यूज इसको मिले हैं, 12 वोटें मिली हैं, ये देखो लिंक लगा हुआ है ना, मोस्ट प्रोबेबली एफिलिएट लिंक होगा, तो लिंक्स आप लगा सकते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ये मैं सिर्फ गेट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ, लोग यहाँ से जानना चाहते हैं इनके बारे में। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, लेट्स सपोज सैंड इन ब्लू, ओके, तो वो भी हमने डिस्कस किया था, उसका भी एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो सैंड एंड ब्लू पे देखो काफ़ी सारा कंटेंट है, व्हाट इज योर रिव्यू ऑफ सैंड एंड ब्लू, है ना, इसका भी आप देख सकते हैं, एक पर्सन ने अपना ओपिनियन बताया है यहाँ पे, आप देखोगे काफ़ी लंबा कंटेंट लिखा हुआ है, 1.3K व्यूज इसको मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज सैंड एंड ब्लू, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर है 84 व्यूज मिले हुए हैं, है ना। ये व्यूज आपको लंबे समय तक मिलते रहते हैं, देखो एक साल पहले के कंटेंट लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देखोगे तो 913 व्यूज़ मिले हुए हैं। तो इस पर भी आप काम कर सकते हो, क्योरा सबसे बेस्ट है। लोगों की जो क्योरी है, जो आप टूल है आपके पास, जैसे कि मैंने आपको 5 टूल बताए हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, लोगों के जो भी डाउट हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, रिसर्च करो, चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो आंसर राइट करने के लिए, ठीक है, जो पहले से लिखे हुए आंसर हैं उनको रीराइट करवा सकते हो आप, और नया क्वेश्चन खुद के स्पेस में डाल के खुद ही उसका आंसर भी कर सकते हो, तो अपने स्पेस को ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे कन्वर्ट किट, ठीक है, तो शुरू में जब क्योरा शुरू शुरू में जब आया था, तो बहुत सारे लोगों ने एज एन एफिलिएट काफ़ी अच्छा यहाँ से ट्रैफिक लिया था, और अब भी बहुत सारे लोग जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। देखो व्हाट इज कन्वर्ट किट, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एंड उनके आप रिजल्ट देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 5K व्यूज़ मिले हुए हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर योर एक्सपीरियंस विद कन्वर्ट किट, ओके। तो अगर इसको देखें तो ये पूरा इतना लंबा चौड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, और लगभग इसको 4.5K व्यूज इसको भी मिले हुए हैं। इसमें लिंक वगैरह आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, इसने नहीं लगाए हैं। और जो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये एफिलिएट लिंक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सेम कंटेंट आपने देखा कि लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा
कि विच सर्विस इज बेटर, मेल जिम्प और कन्वर्ट किट एंड वाई। तो ये क्वेश्चन है जो लोग सर्च कर रहे हैं, और इसका कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पर इसको 3.1 के व्यूज़ मिले हुए हैं, क्योंकि ये क्योरा पे है, ठीक है। और सेम कंटेंट को आप चाहें तो मीडियम पर डाल सकते हैं एज आर्टिकल फॉर्म, ओके। आप वोकल मीडिया पे डाल सकते हैं एज आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट फॉर्म में, है ना। तो आपको यहाँ से भी ट्रैफिक मिलेगा, आपको सर्च इंजन से भी ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा है कि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप चाहें तो इधर ही आंसर कर सकते हैं, आप चाहें तो सेम क्वेश्चन का, सेम डेटा का आप एक ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं और अपने एफिलिएट लिंक के साथ आप जो है इन बड़ी वेबसाइट्स पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं इसको प्रैक्टिकली बता सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो फोकस नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट एक स्ट्रेटजी आपको बताई है और 4-5 आपको ऐसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स बता दिए जिनको आप प्रमोट करके, रेफर करके एज एन एफिलिएट अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जिनका कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है कि भाई क्लिक बैंक से ही या डिजिटल पे काम करूँ, अमेजोन पे काम करूँ, तो इंडिविजुअल जो एफिलिएट्स हैं, जो ब्रांडेड एफिलिएट्स हैं, उन पर आप काम कर सकते हो। बहुत आसान है, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ पर आपका फोकस रहता है, तो रिजल्ट आप जल्दी निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें कुछ और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।